नमस्कार, कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे विलोम शब्द के बारे में कि विलोम शब्द क्या होते हैं, उनकी क्या परिभाषा होती है। तो शुरू करते हैं। तो जो विलोम शब्द होते हैं बच्चों, उनको हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो विलोम शब्द और विपरीतार्थक शब्द का एक ही अर्थ होता है। अब विलोम शब्द किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या होती है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो जो विलोम शब्द होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। जैसे किसी शब्द अथवा उसके अर्थ के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं ना बच्चों, उन्हें हम बोलते हैं विलोम शब्द। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो शब्द विलोम शब्द होते हैं उन्हें हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रात का विलोम दिन होता है, वैसे ही बूढ़ा, जो बूढ़ा होता है अगर उसका विलोम शब्द हम जानेंगे तो उसका विलोम शब्द होता है जवान। तो बूढ़ा जवान। इसी तरह उल्टा, उल्टा का विलोम शब्द क्या होता है, सीधा। तो हम बोलेंगे उल्टा सीधा। नया, नया का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों, सोचो सोचो। नया का विलोम शब्द होगा पुराना। तो हम बोलेंगे नया पुराना। बड़ा, बड़ा का विलोम शब्द होता है छोटा। तो जहाँ पे भी बड़ा लिखा होगा तो उसका विलोम शब्द छोटा होगा। तो बड़ा छोटा। अगला है मोटा। मोटा का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों, मोटा का विलोम शब्द होगा पतला। तो मोटा पतला। और ये कभी कभी आगे पीछे भी आते हैं, पतला मोटा भी हो सकता है। इसी तरीके से कठोर, कठोर का विलोम शब्द क्या होता है, नर्म। कठोर नर्म। अब है प्रातः, प्रातः और संध्या। प्रातः का जो विलोम शब्द होता है वो होता है संध्या। प्रातः मींस मतलब होती है सुबह और संध्या मींस मतलब होता है शाम। इसी तरीके से गीला, गीला का विलोम शब्द होता है सूखा। हम अपने घर में बातचीत करते हुए भी इन चीज़ों, इन शब्दों का उपयोग करते हैं, गीला सूखा। तो गीला का उपयोग जो करते हैं विपरीत में सूखा करते हैं। अगला है खुला, खुला का विलोम शब्द होता है बंद। तो हम बोलेंगे खुला बंद। या कभी एग्जाम में बंद लिखा होगा तो उसका विलोम शब्द खुला होगा। इसी तरीके से आगे है ठंडा, ठंडा का विलोम शब्द क्या होगा, बिल्कुल सही, ठंडा का विलोम शब्द होगा गर्म। तो ठंडा गर्म। अगला है ऊपर, ऊपर का विलोम शब्द होता है नीचे। ऊपर नीचे, बिल्कुल सही, दोहराइए ऊपर नीचे। अगला विलोम शब्द है अंदर। अब अंदर का विलोम शब्द क्या होगा, सोचो बच्चों, बिल्कुल अंदर बाहर। तो अंदर का विलोम शब्द है बाहर। इसी तरीके से अगला विलोम शब्द है पास, पास। पास का विलोम शब्द क्या होगा, दूर। तो हम कहेंगे पास दूर। आगे है हल्का, हल्का का विलोम शब्द होता है भारी। अब जैसे इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि रुई बहुत हल्की है और जो वजन करने के बाट होते हैं वो बहुत भारी है, तो हल्का और भारी। इसी तरीके से आगे, आगे का विलोम शब्द होता है पीछे। तो अगर आपसे पूछेंगे कि आगे का विलोम शब्द बताओ तो आप बोलोगे पीछे।